नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं आपका खुद का चैनल इंडियन बाइक। दोस्तों वीडियो के आखिर में आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ो, वहां पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मैं कुछ नया वीडियो डालूं आपको साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों तो आइए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बजाज प्लैटिना 100 ES ड्रम वेरियंट, कलर कॉकटेल वाइन रेड। तो ये झटका माना है प्लैटिना 100 ES में हमें फीचर्स क्या मिल रहा है। नाइट्रॉक सस्पेंशन ऑफर्स 15% मोर कंफर्ट ऑन लॉन्ग राइड। लॉन्ग फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन, लॉन्ग एंड सॉफ्ट सीट 9% लॉन्गर देन कंपटीशन। वाइडर रबर फुट पैड्स, ट्विन स्पार्क DTSI इंजन, टैंक पैड्स, LED DRL। ये वेरियंट आपको डिस्प्ले भी मिल जाएगा और साथ ही इसमें आपको मिल रहा है नया ऑप्शन नकल गार्ड। हाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर जिसके लिए मैंने ये अपडेट वीडियो बनाया है, आपको इस बाइक में अब मिलता है नकल गार्ड, या फिर आप इसे देखिए यहाँ पर ये नकल गार्ड है, आप इसे कुछ भी कह सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से इसे नकल गार्ड ही कहा जाता है, या फिर आप इसे बार्श गार्ड भी कह सकते हो। दोनों तरफ ही दिया गया है इसे, तो ये एकदम नया अपडेट है। हो सकता है ये वीडियो बिल्कुल पहला हो यूट्यूब पर, तो अगर आप चाहते हो तो आप इस नए वेरिएंट के साथ जा सकते हो। देखिए कलर बहुत ही ग्लॉसी है और बहुत ही फिनिशिंग इसका अच्छा है। इसका नाम है कॉकटेल वाइन रेड कलर। सीट के नीचे देखिए यहाँ पर लिखा गया है 100 कंफर्ट टेक, तो बहुत ही कंफर्ट एक मोटरसाइकिल है। साथ ही जो साइड इंडिकेटर्स है उसे भी चेंज कर दिया गया है, और ये देखिए मजबूत मेटल हैंडल ग्रैब रेल यहाँ पर दिया गया है पीछे के लिए, और ये फिर वही लाइट इसे अपडेट कर दिया गया है। इस तरफ भी देखिए 100 कंफर्ट लिखा गया है, तो ग्राफिक्स भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर प्लैटिना लिखा गया है गोल्ड कलर में, और यहाँ पर आपको मिल रहा है नया टैंक पैड, और यह रहा टैंक, और यह है स्पीडोमीटर। बाइक की फ्रंट साइड में जो सस्पेंशन हमें मिल रहा है 130mm हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक टाइप लॉन्गर सस्पेंशन हमें मिल रहा है विथ एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए दोनों तरफ ही है, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, और ये लॉन्गर है ताकि राइडर के हाथों में झटका ना लगे। बाइक की रियर साइड में 110mm स्प्रिंग ऑन स्प्रिंग 5-स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स गैस कैंसी स्टार का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है ताकि इसका जो झटका है वो आपको बिल्कुल महसूस ही ना हो। और फ्रंट टायर में हमें मिल रहा है 2.75x17 इंच ट्यूब टायर विथ डायमंड कट एलॉय व्हील, और रियर साइड में हमें मिल रहा है 3x17 इंच ट्यूब टायर विथ डायमंड कट एलॉय व्हील, और इसमें देखिए एलॉय व्हील के ऊपर हमें मिल रहा है सिल्वर कलर दोनों तरफ ही। इस बाइक की बोथ साइड में हमें मिल रहा है 110mm ड्रम विथ एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम, और ये बाइक फ्रंट डिस्क के साथ भी अवेलेबल है। अगर आप उस डिस्क में जाते हो तो उसका जो साइज़ है 240mm डिस्क। बाइक की जो इंजन हमें मिल रहा है 4-स्ट्रोक ट्विन स्पार्क DTSI सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन, कैपेसिटी 102cc, बोर 47mm स्ट्रोक 58.8mm, मैक्सिमम पावर 7.9 PS एट द रेट 7500 RPM, मैक्सिमम टॉर्क 8.3 Nm एट द रेट 5500 RPM, ट्रांसमिशन 4-स्पीड ऑल डाउन शिफ्ट। दोस्तों ये बाइक इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन के साथ आता है। देखिए यहाँ पर एक चाबी है जिससे गाड़ी रिजर्व में पड़ेगा, और ये सिस्टम बजाज का खुद का पेटेंट किया हुआ है, और साथ ही हमें इसमें मिल रहा है किक प्लस इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट, और यहाँ पर देखिए आपको गियर इंडिकेशन मिल रहा है ऑल डाउन। बाइक की टॉप स्पीड है 90 km/h, और साइलेंसर के ऊपर आप यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन सेंसर लगाया गया है, और यहाँ पर देखिए एक हॉर्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपको मिल रहा है एक हेवी बिल्ड क्रैश गार्ड, या फिर इसे आप लेग गार्ड भी कह सकते हो। और देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है एक राइडर फुट रेस्ट, वो भी रबर में, और उस साइड में भी आपको भी एक रबर फुट रेस्ट मिल रहा है ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, देखिए पीछे का ब्रेक के लिए। न्यू साइलेंसर के ऊपर हमें मिल रहा है बिल्कुल क्रोम फिनिश फुल मेटल मफलर, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और पीछे की इस समय आपको मिल रहा है एक चेन गार्ड, लेकिन इसके अंदर आपको मिल रहा है ओ रिंग चेन, और यहाँ पर देखिए ये फुल फाइबर से बनाया गया है ताकि इसके लॉन्गजेविटी और भी बढ़ जाए, और यहाँ पर आपको मिल रहा है टायर प्रेशर, आपको हमेशा इसी को रखना है, इससे माइलेज और ब्रेकिंग दोनों ही अच्छा मिलता है। यहाँ पर देखिए एक रियर मड गार्ड दिया गया है ताकि पीछे के हिस्सा गंदा ना हो कीचड़ के वजह से, ठीक है।
बाइक के साथ आपको यहाँ पर देखिए एक लेडीज़ फुट रेस्ट मिल रहा है, इसके ऊपर रबर लगाया गया है। हाँ देखिए रबर का है जिससे स्कीड नहीं होगा, मतलब कि बहुत ही सोचा गया है सेफ्टी फीचर्स के लिए। और यहाँ पर देखिए एक साड़ी गार्ड मिल रहा है जो फुल मेटल का है और बाइक के साथ ही आपको मिल जाएगा। और दोनों तरफ आपको मिल रहा है लेफ्ट और राइट साइड में वाइडर रबर फुट पैड्स स्पेशली डिज़ाइन फॉर पिलियन फुट रेस्ट। और दोस्तों सीट आप देखो यहाँ पर क्या सीट है, बहुत ही सॉफ्ट सीट है ये सीट। आपको यहाँ पर मिल रहा है लॉन्ग एंड सॉफ्ट सीट 9% लॉन्गर देन कंपटीशन, मतलब कि और भी जितने बाइक्स है उससे इसका सीट बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही नरम है और बहुत ही आरामदायक है। मैं आपसे कह रहा हूँ देखिए कितना सॉफ्ट सीट है। इस सीट के ऊपर 3 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकता है, मतलब कि एक राइडर्स और 2 पिलियन इसके ऊपर आराम से बैठ सकता है। देखिए यहाँ पर कंफर्ट लिखा गया है जो इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट जाता है क्योंकि सीट बहुत ही नरम है। जिनके पास ये बाइक ऑलरेडी है उन्हें मालूम है, और जिनके पास नहीं है मैं आपसे कहूँगा कि आप इस पर एक बार बैठ के देखो यार, देखो कितना लंबा सीट है। बाइक की लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर मिल रहा है बिल्कुल रबर फिनिशिंग ग्रिप जो बहुत ही अच्छा ग्रिप आपको देगा राइडिंग करते समय। साथ ही हाई बीम लो बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच और पास स्विच आपको लेफ्ट साइड में मिलता है। और सॉफ्ट क्लच, ये है वो हिस्सा नकल गार्ड, इसे बिल्कुल नया यहाँ पर दिया गया है जिसे स्क्रू के साथ यहाँ पर लगाया गया है। देखिए ये हेवी बिल्ड फाइबर क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी इसमें है। और राइट साइड में हमें थर्टल ग्रिप में मिल रहा है वही रबर ग्रिप, और इसका जो ब्रेक है वो भी बहुत सॉफ्ट है। और यहाँ पर देखिए स्विच ऑन ऑफ, लाइट स्विच ऑन ऑफ, और यहाँ पर है सेल्फ स्टार्ट स्विच, और ब्रेक बहुत ही सॉफ्ट ब्रेक है। और राइट साइड में भी आपको वही मिल रहा है फिर नकल गार्ड। देखिए इसका जो मेकिंग क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, टॉप क्वालिटी है, और यहाँ पर स्क्रू के साथ इसे लगाया गया है, तो बिल्कुल एक नया अपडेट है जिसके लिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ बनाकर। बाइक ऑन ऑफ और हैंडल लॉक यहाँ से होता है। और ये रहा आपके सामने एनालॉग स्पीडोमीटर, यहाँ पर हमें जो मिल रहा है स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, फ्यूल गेज, साइड इंडिकेटर, मेल फंक्शन लाइट, हाई बीम और न्यूट्रल इंडिकेटर हमें यहाँ पर मिल रहा है इस डिस्प्ले में। ये डिस्प्ले टोटली एनालॉग डिस्प्ले है। और साथ ही यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है DRL जो इसे नया अपडेट है आपको मिल रहा है हर BS6 गाड़ी में। और साइड इंडिकेटर ये LED नहीं है, ये बल्ब है, आपको याद रखना है कि ये DRL सिर्फ LED है इस बाइक में। ये लाइट चारों लाइट को चेंज कर दिया गया है, और पीछे का हिस्से का जो लाइट है ये भी बल्ब है, ये LED नहीं है, लेकिन इसे बदला गया है, इसे अपडेट कर दिया गया है। बाइक की सीट हाइट 807 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm, कार्ब वेट 119 kg। आपको ये बाइक माइलेज दे देगा लगभग 80+ km/L। और इसका जो एक शोरूम प्राइस है इन माई डिस्ट्रिक्ट बहरमपुर मुर्शिदाबाद 59,469 नाउ। तो दोस्तों हम इस बाइक को इसलिए खरीदेंगे क्योंकि हमें इस बाइक में मिल रहा है 15% मोर कंफर्ट ऑन सस्पेंशन, लॉन्गर सीट, मतलब कि 9% ज़्यादा लंबा सीट दूसरों बाइकों के मुकाबले, DTSI ट्विन स्पार्क इंजन, 80+ km माइलेज पर लीटर और बहुत ही लो मेंटेनेंस कॉस्ट। और दोस्तों आपको अगर ये छोटा सा अपडेट पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो वीडियो के नीचे और शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ जाओ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहरमपुर SS बाजार शोरूम में विजिट करो और एक टेस्ट ड्राइव आप ज़रूर करो इस बाइक के ऊपर, डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर पढ़ना दोस्तों। थैंक यू।